दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। नए वीडियो में आपका स्वागत है और अभी मैं महाबलेश्वर में हूँ और आज इस वीडियो में हम महाबलेश्वर को देखेंगे, महाबलेश्वर सिटी को देखेंगे। और ये हमारे सामने बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड है। आइए वीडियो शुरू करते हैं, बने रहें वीडियो में, पूरा वीडियो देखें, आपको मज़ा आएगा। ये यहाँ के टैक्सी स्टैंड का रेट लिस्ट लगा रखा है, कितने कितने पैसे में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं पूरे दिन के लिए, एक साइड सीन के लिए अलग अलग रेट यहाँ दे रखा है। ये पूरा टैक्सी स्टैंड है और ये यहाँ पर मंदिर है और ये बाजू में यहाँ बस स्टैंड है। आइए आगे चलते हैं। बंदर यहाँ पर मस्ती कर रहा है, ये देखिए अभी नीचे लटकेगा, क्या करेगा इसका देखते हैं। उधर इसके कुछ दोस्त बैठे हुए हैं ऊपर, देखिए और देखिए ऊपर बैठे हुए हैं और ये दौड़ के यहाँ आया, यहाँ से भी वो ऊपर जा रहे हैं उस वायर के ऊपर ऊपर। मस्ती का टाइम है, इसका मौसम बहुत ही सुहाना हो रखा है, सुबह सुबह का टाइम है। देखिए वो गया ऊपर, ये बंदर की मस्ती, बंदर की गुलाटी यहाँ महाबलेश्वर में। और ये यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक स्टेचू लगा हुआ है और ये अंबेडकर चौक यहाँ पर बना हुआ है। मार्केट जैसे ही हम बस स्टैंड से आते हैं, इधर से हम अभी चल के आए हैं, ये सामने यहाँ पर बस स्टैंड टैक्सी स्टैंड है। तो ये अंबेडकर साहब की यहाँ पर स्टैचू लगी हुई है और इधर भी मार्केट है। और यहाँ हम देखें तो ये पूरा मार्केट का ही व्यू है। आइए और आगे चलते हैं। और ये यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम से चौक है, सुभाष चंद्र बोस चौक। और ये यहाँ का पूरा व्यू है, ये होटल बहुत सारे। इधर हम देखेंगे तो यहाँ बहुत पुराना चर्च है, तकरीबन 200 साल पुराना। और इधर से हम चल के आए हैं बस स्टैंड की तरफ से और ये अंबेडकर चौक सामने हमें दिखाई दे रहा है। और आगे मार्केट में बढ़ते हैं, आइए चलते हैं। यहाँ महाबलेश्वर में आपको खाने में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप ये देखें इस तरह से आपको हर तरह का आपका टेस्ट का खाना यहाँ पर मिल जाता है, क्योंकि ये टूरिस्ट पैलेस है और पूरा टूरिस्ट के लिए ही यहाँ पर बनाया हुआ है। तो ये आप देखें, बाकी ये देख लें। आइए और मार्केट में आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, इधर आगे चलते हैं। और ये व्यू होटल की पार्किंग से, अभी मौसम थोड़ा सा खुला है, नहीं तो कल से ही बारिश या बादल थे, बूंदाबांदी थी। आइए और आगे चलते हैं। इस मार्केट से हम चल के आए हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक जो है वो सामने ही है। और यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि ये मार्केट है तो यहाँ पर नो एंट्री है, गाड़ियाँ इसमें नहीं जा सकती हैं, बाइक स्कूटी वगैरह जा सकती है शायद, क्योंकि कार का नो एंट्री का लगा रखा है। और ये एक चौक है जहाँ पर मैं पहुँचा हूँ अभी, वहाँ से चल के चार रास्ते हैं, ये इधर भी एक रास्ता जा रहा है और इधर से हम चल के आए हैं और ये सामने भी एक रास्ता जा रहा है और ये इधर भी एक रास्ता जा रहा है। ये पूरा मार्केट है, आइए इधर आगे बढ़ते हैं। मेन मार्केट में हम इधर से चलते हुए सामने से और यहाँ तक आ गए हैं और ये यहाँ का पूरा व्यू है। आइए और आगे बढ़ते हैं। और ये यहाँ पर श्री हनुमान मंदिर है, आप भी देख लीजिए। इसी मार्केट के अंदर ही मेन रोड के ऊपर ही ये मंदिर है।
और इधर से हम इस रास्ते से चल के आए हैं। अभी क्योंकि अर्ली मॉर्निंग है इसलिए दुकानें पूरी खुली नहीं है, मार्केट पूरा खुला नहीं है, और अभी हमें इधर आगे और बढ़ना है, पूरे मार्केट को एक्सप्लोर करना है। तो आइए और आगे देखते हैं। और अभी हम श्री छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर पहुंच गए हैं महाबलेश्वर में, ये देखिए आप। और यहाँ भी ये इधर जाना मना है, और ये बड़ा सा एक झंडा यहाँ पर, और इस मार्केट से हम चल के आए हैं इधर से, और यहाँ तक हमने इसको एक्सप्लोर करके देखा है। और ये यहाँ का इस शिवाजी महाराज चौक का पूरा व्यू है, ये देखिए यहाँ पर ये चौक बना हुआ है, इसमें अंदर फुहारा लगा हुआ है, शिवाजी महाराज का चौक है। और सामने ये मंदिर है बड़ा सा, और इधर हम देखेंगे तो ये सामने हाई स्कूल है यहाँ का, बाकी ये पूरा यहाँ का व्यू है। आइए और आगे चलते हैं इधर से, इस रास्ते से और आगे चलते हैं। और अभी हम इधर से आए हैं ये रास्ते से, और अभी आगे इधर चलते हैं। आइए, और अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं श्री कृष्णाबाई मुरलीधर फ्लोड मार्ग, इधर से हम चल के आए हैं। और ये इधर भी एक मार्केट को रास्ता जा रहा है, और इधर भी ये ऐसा यहाँ का व्यू है पूरा। आइए और आगे चलते हैं। और ये यहाँ पर मुसाफिर खाना है, रेवरल लॉज, ये यहाँ का जामा मस्जिद है, और इसके अंदर एक तरफ ये मुसाफिर खाना बना रखा है जहाँ हम रुक भी सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पर बात किया है तो 600 रुपये में ये रूम दे देते हैं, बाकी इनके पास फैमिली रूम, 4 बेड का रूम है, 3 बेड का रूम है, 2 बेड का रूम है, इस तरह से, और एक हॉल भी है जिसमें आप यदि सिंगल हो तो हॉल में ऊपर आपको एक बेड मिल जाता है, और भी आपके साथ में बहुत सारे बेड लगे होते हैं, शेयरिंग होता है वो, और उसमें आप रुक सकते हैं। तो उसमें इन्होंने कहा कि 300 रुपये में आप उस बेड को ले सकते हैं, और टॉयलेट वगैरह बाहर होते हैं। तो ये इस तरह से इस मुसाफिर खाने में, और बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर हैं रुकने के लिए, यदि आप बात करें तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर हैं, आपको मिल जाते हैं। लेकिन ये मैंने देखा तो मैंने सोचा आपको मैं बता देता हूँ। ये पूरा हमने वीडियो महाबलेश्वर का देखा, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।